मैं दोस्तों आज हम हैं ढिंगरा किया जो कि अपना भटकल मोड पे शोरूम है और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं किया कैरेंस के टॉप मॉडल लग्जरी प्लस की जो कि आपके सामने गाड़ी खड़ी हुई है। आज के इस वीडियो में इस वेरिएंट का कंप्लीट एक डेप्थ रिव्यू करेंगे, कौन कौन से फीचर, स्पेसिफिकेशन, कितने प्राइस रेंज मिलती है और क्या क्या आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं इसमें, ट्रांसमिशन के, इंजन के, सभी कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो भाई डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से और देखते हैं कि फीचर कौन कौन से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें इसका फ्रंट लुक कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है और वाइडनेस विंडस्क्रीन है। ट्विन आपको यहाँ पर जो वाइपर्स मिलते हैं ये रेन सेंसिंग वाले दिए गए हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स दिए जाते हैं। स्लिक डिजाइन में इसका आपको हुड मिल जाता है, साथ ही ये न्यू किया का लोगो और जो इसकी रेडिएटर ग्रिल आप ऊपर वाली है जिसको किया डिजिटल ग्रिल बोलता है, ये आपको पियानो ब्लैक के इंसर्ट में मिल जाती है कुछ इस तरीके से। इसके नीचे आपको मिल जाती है क्रोम की लाइनिंग और साथ ही डीआरएल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर स्टार मैप डिज़ाइन में मिलते हैं और टर्न इंडिकेटर के साथ भी ये वर्क करते हैं कुछ इस तरीके से। इसके अंदर आपको टर्न इंडिकेटर जो हैं वो मिल जाते हैं। बाकी नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको क्राउन ज्वेल शेप इसके जो हेडलैम्प्स हैं वो मिल जाते हैं, एलईडी हेडलैम्प्स दिए गए हैं और ये ऑटोमेटिक टाइप के आपको मिल जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं इस गाड़ी के जो फ्रंट से आप देख रहे हैं, एक्सेसरीज का भी पार्ट है, जैसे कि आप ये देखिए ये पोर्शन आपको एज एन एक्सेसरी इंस्टॉल किया गया है, इसका निचला पोर्शन ये भी एक्सेसरीज के पोर्शन में आता है। बाकी आप आते हैं ग्रिल के पास तो यहाँ पर लोअर ग्रिल आपको देख सकते हैं कुछ इस तरीके की डिज़ाइनिंग मिलती है। यहाँ पर भी आप देखें तो ये क्रोम का इंसर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि कंपनी लगाकर देती है, डायमंड नर्लिंग पैटर्न डिज़ाइन के साथ आपको ये दिया गया है। साथ ही आप आइस क्यूब शेप के साथ इसके जो अपने फ्रंट फॉग लैंप्स हैं वो मिल जाते हैं एलईडी में। आ जाते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल में, तो भाई साइड का लुक आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको व्हील्स दिखाते हैं तो 16 इंच के प्रोफाइल के साथ आपको डुअल टोन यानी क्रिस्टल कट एलॉय व्हील्स दिए जाते हैं कुछ इस तरीके से। प्रोफाइल चेकआउट कर लीजिए आप एक बार, तो 205/65R16 का आपको सेक्शन मिल जाता है। चारों व्हील्स आपको इसके अंदर आपको डिस्क वाली दी जाती हैं। आउटसाइड मिरर्स यहाँ पर देखें तो ये आपको बॉडी लगे मिल जाते हैं, साइड टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, फोल्ड अनफोल्ड का आपको फीचर मिल जाता है। साथ ही आते हैं ए पिलर पर तो ये पियानो ब्लैक फिनिश में है, बी पिलर ब्लैकआउट, सी पिलर पे आप देखें तो ये भी आपको ब्लैकआउट ही मिल जाता है और लास्ट में आपको यहाँ पर बॉडी कलर का पोर्शन दिया गया है। ये जो इसका डीएलओ है ये आपको यहाँ पर जो क्रोम लाइनिंग प्रोवाइड की जाती है। बाकी ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की रूफ रेल है और ऊपर सनरूफ दिया गया है। नीचे आते हैं तो ये देखिए क्रोम लाइन डोर हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, रिवर्स सेंसिंग बटन भी दिया गया है, ये भी आपको सेम यहाँ पर दिया जाता है। लोअर पोर्शन पे साइड क्लैडिंग दी गई है, एसयूवी स्टांस को बढ़ाने के लिए कंप्लीट क्लैडिंग आपको ऑफर की जाती है जिसमें आपको सिल्वर का इंसर्ट भी मिलता है। अब साइड में क्या क्या एक्सेसरीज है वो आपको बता देता हूँ। एक तो ये चीज़ हो गई डोर गार्ड, ये एक्सेसरीज के तौर पर लगा है और जो अपना रोल डोर वाइजर है ये क्रोम लाइन डोर वाइजर है जो कि एक्सेसरीज के अंदर इंस्टॉल यहाँ पर किया गया है, इसको भी आप करवा सकते हैं। बारी आती है रियर प्रोफाइल को चेकआउट करने की, तो रियर से आप इस गाड़ी का लुक एक फ्रेम में देख सकते हैं। तो भाई फीचर्स देख लेते हैं सबसे पहले, तो सबसे ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाता है शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना। ये देखिए इसका जो स्पॉइलर है वो आपको इंटीग्रेटेड दिया गया है, काफ़ी अच्छे डिजाइन में मिल जाता है। इस पोर्शन पे आपको ये पियानो ब्लैक का दिया जाता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया गया है और हम जैसे कि ढिंगरा किया भी इस वक्त वीडियो बना रहे हैं भटकल मोड़ पे, कोई भी आपको गाड़ी की रिक्वायरमेंट हो तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी किया करंट टेक्नोलॉजी आती है उसकी स्टिकरिंग यहाँ पर की गई है। बाकी रियर विंड स्क्रीन देखते हैं तो रियर विंड स्क्रीन पर रियर वो अपना डिफॉगर्स हैं, वाइपर और वॉशर की प्लेसमेंट मिल जाती है। स्टार मैप आपको एलईडी जो टेल लैंप्स हैं वो ऑफर यहाँ पर किए गए हैं कुछ इस डिज़ाइन के अंदर। बाकी यहाँ पर देखें तो ये कनेक्टिंग यहाँ पर जो की गई है दोनों की, ये अपना यहाँ पर रिफ्लेक्टर बेस्ड है, ये रनिंग ग्लो नहीं करते। नीचे अपना किया का लोगो दिया जाता है और इधर की तरफ आपको कैरेंस की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। नीचे आते हैं लोअर पोर्शन अगेन यहाँ पर काफ़ी चौड़ी क्लैडिंग के साथ आपको मिलता है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको क्रोम का इंसर्ट मिल जाता है, डायमंड लर्निंग पैटर्न डिज़ाइन यहाँ पर आपको दिया गया है कुछ इस तरीके से। रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है उसकी प्लेसमेंट यहाँ पर की गई है और चार पॉइंट के साथ इसके जो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। रियर रिफ्लेक्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं और जो अपना रियर की स्किड प्लेट है वो आपको पियानो ब्लैक के इंसर्ट में मिल जाती है। स्टेपनी टायर की जो प्लेसमेंट की गई है वो की गई है अंडर दी बूट, तो यहाँ पर आपको ये कुछ इस तरीके से मिल जाता है। टेयर में भी कुछ एक्सेसरीज है जैसे कि आप ये देखिए टेल गाइड टेल लाइट गार्निश एक्सेसरीज का पार्ट है और ये वाला पोर्शन जो है ना ये बूट गार्निश ये भी अपना एक्सेसरीज के तौर पर लगाई गई है। तो अब बारी है इंटीरियर में और सबसे पहले देखते हैं इसकी की, तो यहाँ पे आप कुछ को इस तरीके की दो कीज़ जो है वो ऑफर की गई हैं जिसमें आप देखें तो लॉक अनलॉक होल्ड और बूट रिलीज का आपको बटन मिल जाता है। तो काफ़ी छोटी सी है, प्यारी सी है और काफ़ी अच्छी लग रही है। अब चलते हैं इंटीरियर में देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स आपको ये मिलते हैं। तो डोर ज़्यादा ओपन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बगल में एक और कैरेंस खड़ी हुई है। तो यहाँ पे आप देखें तो कंप्लीट इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो डुअल टोन में आपको मिलता है इंडिगो और बेज कलर के साथ, ये इसकी थीम है।
बाकी के सिल्वर और पियानो ब्लैक के एक्सेंट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड डोर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इनसाइड डोर हैंडल सिल्वर दिया गया है, ये पोर्शन सिल्वर है, ये पियानो ब्लैक रखा गया है और काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे देखें तो कटिंग वगैरह आपको मिल जाती है। डिजाइन अच्छा खासा दिया गया है और ये अपोल्सरी आपको यहाँ पर मिल जाती है इसके डोर आर्मरेस्ट के ऊपर, ये सेम अपोल्सरी है, अपनी सीट कवर वाली ही दी गई है। इधर आते हैं, मिरर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, फोल्ड अनफोल्ड का आपको जो है वो बटन मिल जाता है, यहीं से कर सकते हैं लॉक अनलॉक स्विच, चारों पावर विंडो। बाकी जो ड्राइवर साइड विंडो है वो आपको वन टच डाउन, वन टच अप और एंटी पिंच के फीचर के साथ जो है वो दी गई है। तो नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे बोतल होल्डर के स्पेस मिल जाते हैं, अम्ब्रेला होल्डर भी प्रोवाइड किया गया है और बोस का प्रीमियम 8 स्पीकर वाला जो साउंड सिस्टम है वो ये वेरिएंट आपको ऑफर कर देता है। कि कैरेंस की यहाँ पे आप इसको प्लेट देख रहे हैं जो कि एसेसरीज के तौर पर लगाई गई है, यहाँ पर फ्यूल लिड ओपन, ये मैट भी ऐसे एसेसरी ही लगाया गया है। इधर आपको हुड डिस्क का लीवर मिल जाता है, तीनों पैडल हैं, कोने में एक डेड पैडल भी मिलता है। इधर हेडलाइट लेवलिंग, ESP और ये देखिए इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है। दोस्तों अब है इस गाड़ी के हम इंटीरियर में, जहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी लग्जूरियस मामला देखने को मिल जाता है। जैसा का नाम दिया गया है वैसे ही आपको इसमें फीचर्स भी मिल जाते हैं। सबसे पहले स्टेयरिंग व्हील आप देखिए तो यहाँ पे आपको जो है डी कट शेप के अंदर इसका स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, लेदर रैप का फिनिश इंडिगो कलर के अंदर दिया गया है। यहाँ पे आप देखें तो क्रूज और MID कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको, दूसरी तरफ आपको ऑडियन कॉलिंग कंट्रोल्स दिए गए हैं। अब ये टॉप मॉडल है तो इसका स्टेयरिंग व्हील जो है वो आपको टिल्ट एडजस्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक वे में भी एडजस्ट करने का ऑप्शन दे देता है। इधर आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ऑफर किया जाता है। काफी बड़ी आपको यहाँ पे स्क्रीन मिल जाती है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है और इसके अंदर आपको TFT डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आप देखें तो आपको स्पीडोमीटर और RPM मीटर दोनों मिल जाते हैं। बाकी यहाँ आपको सारी इंडिकेशंस ऑफर की जाती हैं। 271 टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी है, 271 किलोमीटर रन हो चुकी है। बाकी इन्फॉर्मेशन को अगर आपको एक्सेस करना है तो सिंपली आप यहाँ पर आपको जो बटन है उनका यूज कर सकते हैं, लाइक ड्राइव इन्फॉर्मेशन, अपना बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपको सारे जितने भी इंडिकेशंस वगैरह हैं वो यहीं पे मिल जाते हैं। बूट ओपन होता है, कुछ भी ओपन होता है तो उसकी इंडिकेशन भी आपको यहाँ पर ही मिल जाती है। बाकी इस तरफ देखते हैं तो आपको हेडलैम्प कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प आता है, उधर की तरफ आपको वाइपर्स कंट्रोल मिल जाते हैं और ऑटोमेटिक वाइपर्स भी आपको दिए गए हैं। तो अब बात करते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम की, 10.25 इंच के साथ HD अपना म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। भाई बहुत ही अच्छा अपना यहाँ पे जो इसका फिटमेंट किया गया है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बैठाया गया है वो आप देख सकते हैं। आगे स्पीकर की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है, बोस का साउंड सिस्टम आपको इस वेरिएंट के अंदर ऑफर किया गया है। सिस्टम पे आते हैं तो यहाँ पे आपको नेविगेशन वगैरह जो है वो ऑफर की गई है। बाकी का आप देखें तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ आ जाता है और यहाँ पे आपको क्लाइमेट वगैरह के जो भी ऑप्शन है वो सारे मिल जाते हैं। तो बाकी रिवर्स पार्किंग कैमरा चेक कर लेते हैं किस तरीके का है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैमरे का व्यू जो है वो आपको इस तरीके का मिल जाता है। डे टाइम में हम इस वक्त हैं तो यहाँ पे आपको ये दिया गया है और यहाँ पे आपको जो गाइडलाइंस हैं वो भी मूविंग प्रोवाइड की जाती हैं। बाकी दोस्तों आते हैं इसके डैशबोर्ड के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखें तो आपको एक टेक्सचर डिज़ाइन मिल जाता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। ये पोर्शन है, इसके नीचे आप देखें सिल्वर का आपको इंसर्ट मिल जाता है, फिर क्रीम कलर आपको दिया गया है। तो काफ़ी चीज़ें आपको कंबाइन करके यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, काफ़ी अच्छा आपको न्यू फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन जैसा फील यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इधर आते हैं, यहाँ पे आपको एक ट्रे मिल जाती है कुछ इस तरीके की, दूसरी और इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको ये कप होल्डर प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरीके से। नीचे आपको फ्लो एडजस्टमेंट वगैरह के लिए जो AC वेंट्स हैं वो प्रोवाइड मिल जाते हैं और यहाँ पर देखें ग्लोव बॉक्स कुछ इतने स्पेस के साथ आपको ये ऑफर किया गया है। नॉर्मल टाइप का ग्लोव बॉक्स से किया, किसी गाड़ी के अंदर आपको कूलिंग का फीचर ग्लोव बॉक्स में ऑफर नहीं किया जाता। वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच है, साथ ही ये पोर्शन आप देखें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। नीचे आते हैं तो फ्रंट सीट्स वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ बटन्स मिल जाते हैं, सीट्स को आप वेंटिलेशन में सेट कर सकते हैं। बाकी अपना हिल डिसेंट कंट्रोल है अपना डाउन हिल वाला और इधर आते हैं तो फ्रंट पार्किंग सेंसर आप इसको ऑफ कर सकते हैं और DRVM का आपको बटन मिल जाता है। ये देखें तो चार्जिंग सॉकेट्स हैं सी पोर्ट वाले, 12V का चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट दिया गया है, वायरलेस चार्जर भी आपको इस वेरिएंट के अंदर ऑफर किया गया है। साथ ही 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और ये पोर्शन आप देखें कुछ तरीके सिल्वर के इंसर्ट में दिया गया है। यहाँ पे पार्किंग ब्रेक लीवर विद अपना सिल्वर टिप है, ट्विन कप होल्डर और ये भी आपको कूलिंग के साथ है। यहाँ पे आप देखें तो इसका फ्लो भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, कूलिंग इसमें भी आपको मिल जाती है। ये इसका आर्मरेस्ट आ जाता है जिसके ऊपर अपहोल्स्ट्री चढ़ी हुई है। नीचे आए तो यहाँ पे एक ट्रे मिल जाती है और इतना स्पेस आपको ये प्रोवाइड कर देता है, तो ठीक ठाक आपको यहाँ पर भी स्पेस जो है वो मिल जाता है। स्पेस के मामले में आपको यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ड्राइवर साइड सनवाइजर में टिकट होल्डर, इन साइड रियर व्यू मिरर, ये देखिए यहाँ पे आपको कई सारे कंट्रोल मिल जाते हैं, किया कनेक्ट है, टो का, SOS का और ये डे नाइट टाइप है, ऑटो में डिमिंग फंक्शन के साथ आता है। ये अपना सनग्लास होल्डर और लैंप्स अपने LED वाले हैं, इस वेरिएंट के अंदर LED वाले दिए गए हैं और सनरूफ भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो नॉर्मल अपनी सनरूफ है, पैनोरामिक नहीं आती, नॉर्मल सनरूफ आपको मिलती है और वन टच आपको यहाँ पे ऑपरेशन के साथ ये दी गई है।
बाकी को ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ पर भी एक सनवाइजर में जो अपना वैनिटी मिरर है वो मिल जाता है, कोलेप्सिबल टाइप ग्रैब हैंडल ऑफर किया गया है। अब सनरूफ आप देखें तो कुछ इतना स्पेस के साथ है और ये देख सकते हैं आप इतना ही ये ओपन होती है। एम्बियंस लाइटिंग भी आती है क्योंकि डे का टाइम है तो थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा दिखाना, तो यहाँ पे आप इसकी जो एम्बियंस लाइटिंग है वो देख सकते हैं। कलर भी चेंज करती है और बहुत ही प्यारी लगती है। तो रियर में भी देखें तो रियर डोर के ऊपर चमक रही है। सीट की दोस्तों तो यहाँ पे आपको लेदर सीट अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड की गई है कुछ इस तरीके से, और ये वेंटिलेटेड आपको सीट्स मिल जाती हैं ड्राइवर और को ड्राइवर साइड दोनों में। हेडरेस्ट अपने यहाँ पे एडजस्टेबल टाइप के आपको दिए गए हैं, और सीट्स को जो एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है वो मैनुअली ही दिया गया है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट पे में भी एडजस्ट हो जाती है। इस गाड़ी के सेकंड रो में तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से फीचर मिल जाते हैं। तो भाई सबसे पहले इसका डोर देखिए आप, काफी वाइडर है और ओपनिंग भी आपको काफी अच्छी खासी मिल जाती है। इंटीरियर सेम है यहाँ पे आपको बेज और इंडिगो कलर के साथ, और क्या क्या फीचर्स इसके डोर पे आते हैं सबसे पहले वो चेकआउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए आपको सनशेड कर्टन्स मिल जाते हैं, ओनली रियर विंडोज के लिए दिए गए हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर कलर का मिलता है इनसाइड डोर हैंडल, ये पोर्शन भी सिल्वर दिया गया है कंप्लीट। ये देखिए यहाँ पे आपको फ्रंट की तरह ही सारा कुछ दिया गया है, ये अपने बॉटल होल्डर्स वगैरह आपको ये मिल जाती है। बाकी सीट्स देखते हैं तो दोस्तों सेम अपहोल्स्ट्री यहाँ पर भी है, और यहाँ पे आप देखें तो ये सिक्स सीटर वाला वेरिएंट आप देख सकते हैं, कैप्टन सीट के साथ ही आता है। एक बार बैठ कर देखते हैं कौन कौन से फीचर्स आपको। ड्राइवर सीट के पीछे यहाँ पे आपको एक ट्रे मिल जाती है कुछ इस तरीके, जहाँ पे आप अपना गैजेट वगैरह माउंट कर सकते हैं, कप होल्डर वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पेस भी मिल जाता है, और जो अपना ड्राइवर सीट है उसके पीछे आपको यहाँ पे स्मार्ट एयर प्योरीफायर मिल जाता है कुछ इस तरीके का। बाकी एडजस्ट करने के लिए इसके सेकेंड रो के जो एसी वेंट्स है वो आपको टॉप में दिए गए हैं, इसी तरीके से थर्ड रो में भी आपको मिलते हैं। एक कैबिन लैंप है जो कि अपना एलईडी टाइप का यहाँ पर ऑफर किया जाता है, और इसका फ्लो एडजस्ट करना हो अगर आपको एसी का तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। दो सीप और चार्जिंग सॉकेट और यूटिलिटी स्पेस भी आपको मिल जाता है, और यहाँ पे देखें तो कोलैप्सिबल टाइप के अपने जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो भी ऑफर किए गए हैं। अब बारी है थर्ड रो के अंदर जाने की। कैरेंस के अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि जब आपको इसके थर्ड रो में एक्सेस करना है तो आपको वन टच टंबल का सपोर्ट मिल जाता है कुछ इस तरीके से, जो इलेक्ट्रिक है ये, और एक बार बटन दबाने के बाद आप आसानी से जो है वो थर्ड रो में एक्सेस कर पाएंगे, आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई थर्ड रो में हम आ चुके हैं, इस सीट को दोबारा से कर देते हैं ठीक जिस तरीके से ये रहती है। तो अब यहाँ पे स्पेस चेक करिए, तो स्पेस यहाँ पर आपको काफ़ी ठीक मिल जाता है भाई। अदर मैंने ब्रांड्स में गाड़ी देखी है उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ठीक स्पेस मिल जाता है, और एयरी अपना कम्प्लीट जो इसका इंटीरियर है वो काफ़ी एयरी आपको नज़र आता है। यहाँ पर अपना एसी वेंट्स मिल जाते हैं थर्ड रो के लिए भी, और यहाँ पर भी आपको जो चार्जिंग पोर्ट्स हैं वो मिल जाते हैं। टोटल पाँच आपको यहाँ पर जो है चार्जिंग पोर्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये देखिए कप होल्डर्स ये मिल जाते हैं दोनों ही साइडों में। बाकी का क्या क्या चीज़ें हैं, एक लैंप है अपना ये देखिए यहाँ पर एलईडी टाइप का, ना हो तो अगेन इसको प्रेस कर दीजिए, ये जो सीट है दोबारा से अपनी टंबल हो जाएगी और बहुत ही आसानी से आप जो है वो बाहर जा पाएंगे। ये देखिए तो डायरेक्ट थर्ड रो से भी आप आसानी से इस गाड़ी से बाहर आ सकते हैं, काफ़ी कन्वीनियंट आपको ये मिल जाता है, और कोई हैंडल वगैरह यहाँ पर लेकिन आपको प्रोवाइड नहीं किया गया। तो भाई अब बारी है इसके बूट स्पेस को चेकआउट करने की। तो बूट स्पेस चेक करने के लिए आपको यहाँ पर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है, इसको प्रेस करके आप बूट को चेक कर सकते हैं कुछ इतना आपको यहाँ पर बूट स्पेस मिल जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पर स्टोरेज स्पेस देखिए तो काफ़ी ठीक ठाक आपको दिया गया है। इधर अपना एक लैंप भी दिया गया है, एक अपना सबवूफर भी दिया गया है। इसके अलावा जो सीट है थर्ड रो की सीट है, इसको आप जो है रिक्लाइन भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए। तो भाई कुछ इतना ही ये रिक्लाइन हो जाती है, इसमें अपना स्टेप है जैसे कि स्टेप वन स्टेप टू और स्टेप थ्री, तो थ्री स्टेप में ये रिक्लाइन हो जाती है। अगर आप दोनों सीट्स को जो है बिल्कुल ही फुल पीछे की तरफ कर देते हैं, रिक्लाइन कर देते हैं, तो आपके पास जो बूट स्पेस बचता है वो कुछ इतना रह जाता है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है स्टोरेज का स्पेस प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरीके से, और जो अपना स्पेयर व्हील खोलना है उसके लिए यहाँ पे आपको की लगा करके इसको आप आसानी से स्पेयर व्हील को भी निकाल पाएंगे। इंजन को चेकआउट करने की तीन इंजन ऑप्शंस मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर। एक तो ये हो गया CRDI अपना 1.5 लीटर का डीजल इंजन, एक आता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, और एक आता है 1.4 लीटर का टर्बो जो कि ये वाला वेरिएंट है, टर्बो अपना पेट्रोल में दिया जाता है। तो तीन इंजन के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ट्रांसमिशन में अगर जाते हैं तो डीजल के साथ आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिल जाते हैं। पेट्रोल में जाते हैं टर्बो के अंदर तो मैनुअल भी है और DCT का भी ऑप्शन दिया गया है। ये था किया कैरेंस के टॉप वेरियंट का रिव्यू, आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, कोई चीज़ छूट गई हो तो भी बता सकते हैं यार। बाकी वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।